हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेन एलिमेंट्स या कह लीजिए कंपोनेंट्स क्या हैं कम्युनिकेशन मिक्स के, या आप कह सकते हैं प्रमोशन मिक्स के। प्रमोशन मिक्स या कम्युनिकेशन मिक्स के मेन एलिमेंट्स या कंपोनेंट क्या हैं? पहला टॉपिक है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपने सुना होगा, जो आप टीवी पर देखते हैं, मोबाइल पर कभी कभी आपको वन साइडेड एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाती है। कोई आपने मूवी ऑन की, मूवी से पहले एडवर्टाइजमेंट आ गई, फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट जब उड़नी स्टार्ट हुई तब आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल गई। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको बहुत कुछ ऑलरेडी पता है। दूसरा है इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग का आप ट्रेंड आजकल बहुत आ गया है। आपको पता है कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ऊपर इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करने का एफर्ट किया जाता है। इंटरनेट मार्केटिंग को एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वन साइडेड होती है, कस्टमर्स की फीडबैक तुरंत नहीं मिलती। इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, मान लो फेसबुक के ऊपर आपने किसी कंपनी का प्रोडक्ट देखा, आपने नीचे कमेंट कर दिया वहां पर कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है, कहाँ पे अवेलेबल होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, वहां पे आपको तुरंत फीडबैक भी मिल जाती है। व्हाट्सएप के ऊपर देखा है, यूट्यूब पे आपने किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देखी, तो वहां पर भी आप कोई ना कोई कमेंट जाकर कर सकते हैं। ये होती है इंटरनेट मार्केटिंग। इसके बाद है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के अंदर मैंने आपको एक वीडियो में पहले से ही बता दिया है, इस वीडियो का लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पर्सनल सेलिंग मतलब एक-एक पर्सन को डायरेक्ट जाकर मिलना, प्रोडक्ट को सेल करने का एफर्ट करना, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनके प्रोडक्ट को लेकर कोई डाउट है तो डाउट्स को क्लियर करना, अगर उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो प्रोडक्ट आप डायरेक्ट पर्सनल सेलिंग के थ्रू उसको ऑन द स्पॉट सेल भी कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन के अंदर क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी के छोड़कर जो भी टेक्निक हम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं सेल प्रमोशन। कूपन देना, छूट देना, एक के साथ एक फ्री देना, प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा कम कर देना, या अगर आप 10 तारीख तक खरीद लोगे तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। इस प्रकार की जो भी टेक्निक हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं वो सारी सेल्स प्रमोशन के अंदर आती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का भी ट्रेंड आजकल बहुत ज्यादा चल पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, टेली एडवर्टाइजिंग कराते हैं, टेली मार्केटिंग करवाते हैं। एक प्रोडक्ट की 8-8, 10-10, 15-15 मिनट टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है आपको। कॉल नंबर, टोल फ्री नंबर कस्टमर्स को प्रोवाइड करा जाता है, उनको स्पेशल बोला जाता है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट के चलते रहने तक अगर प्रोडक्ट खरीद लेते हो तो आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगा, या इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो वो टेली मार्केटिंग या टेली एडवर्टाइजमेंट का ही फंडा होता है। प्रोडक्ट को आप तुरंत ही सेल करना चाहते हो, काफी सारे कस्टमर आपको हाथों हाथ फीडबैक भी दे देते हैं। इसी तरह से कभी कभी हम कस्टमर्स को कॉल करके, फोन कॉलिंग के थ्रू भी काफी सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, और कस्टमर्स की हमें हाथों हाथ फीडबैक भी मिल जाती है कि वो प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। इसी तरह से डायरेक्ट ईमेल करके भी हम कस्टमर्स की फीडबैक को जाना जा सकता है। हम डायरेक्ट मार्केटिंग का फंडा क्यों आजकल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास आजकल टाइम बहुत कम है मार्केट जाने का, तो लोग फॉलो करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो ऑनलाइन शॉपिंग को भी और ज्यादा स्ट्रोंग करने के लिए हम क्या करते हैं, सामने वाला परचेज पता नहीं कब करेगा, हम उससे पहले क्या करेंगे, सामने वालों से ये मेथड फॉलो करा के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उनसे थोड़ा उनको मोटिवेट कर देते हैं। टेली मार्केटिंग के थ्रू कॉल करके, फोन कॉल कर दिया, या ऐसे कोई ईमेल छोड़कर। नेक्स्ट है हमारा पब्लिसिटी और द पब्लिक रिलेशन। पब्लिसिटी कोई पेड फॉर्म नहीं है। आपने प्रोडक्ट बेचा, सामने वाले पर्सन को अच्छा लगा, उस पर्सन ने आगे जाके 10 लोगों को हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो वो पब्लिसिटी है। क्योंकि जो पर्सन आगे कस्टमर्स को मोटिवेट कर रहा है, हमने उसको पैसे नहीं दिए, वो हमारा कोई एम्प्लॉय नहीं है जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एफर्ट कर रहा है। पर क्या होता है, होता भी यही है, कभी कभी हमारी कंपनी का प्रोडक्ट इतना फेमस हो जाता है कि लोग आपकी कंपनी के कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर में प्रिंट कर देते हैं, टीवी में एड दे देते हैं, फेसबुक के ऊपर प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पब्लिसिटी एक थर्ड पार्टीज के द्वारा की जाती है। हम पब्लिसिटी के लिए किसी को भी पेमेंट नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके पब्लिक रिलेशंस पर। अगर आपके लोगों के साथ पब्लिक रिलेशन अच्छे हैं, आपकी लोग मानते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली वो लोग क्या कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। पर इसके लिए हमको पैसा नहीं पे करना होता है। एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए कंपनी को पैसा पे करना होता है। एडवर्टाइजमेंट किसने करवाई है ये भी पता होता है, खर्चा करना होता है आपको, बट पब्लिसिटी के लिए खर्चा नहीं करना होता है। ये थर्ड पार्टी करती है, पब्लिक रिलेशन पे डिपेंड करती है।
किसी को प्रोडक्ट पसंद आया तो वो पब्लिसिटी हमारी कर सकता है। पब्लिसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। अगर किसी को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आपकी वो नेगेटिविटी भी मार्केट के अंदर फैला सकता है। जबकि एडवर्टाइजमेंट हम सिर्फ अपनी पॉजिटिव बातों के लिए, पॉजिटिव क्वालिटीज के लिए ही कराते हैं। तो दोनों में बहुत फर्क है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।